नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं संतोष जी क्रिएशन। सो दोस्तों, मैं आज बताने वाला हूं कि आप एम आधार ऐप से कैसे आप अपना आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसको कैसे मंगा सकते हैं। सो आप सबसे पहले आप उसको प्ले स्टोर में जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप अपना आधार कार्ड से इसको रजिस्टर कर लीजिए। ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे माई आधार पर एक ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बाजू में देखिए लिख के आएगा ऑर्डर पीवीसी कार्ड। सो इस पर हमको करना है क्लिक और यहाँ पे देखो उसको टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको एक क्लिक कर देना है। सो इस पर मैं टिक कर देता हूँ, उसके बाद बाकी के प्रोसेस आगे बताते जाऊँ। सो इसको कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा रहा है कि अनऑथोराइज्ड मोबाइल नंबर। सो यहाँ पे मैं इसको इस पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि आधार नंबर से आप लॉगिन करना चाहते हैं कि एनरोलमेंट आईडी से, तो मैं आधार नंबर से करते जाऊँ। सो इस पर मैं क्लिक करके एंड इसके बाद देखते क्या प्रोसेस दिखाता है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए वहाँ पे पूछ रहा है कि आपको 12 डिजिट का जो आपका आधार कार्ड नंबर होता है वो आपको डालना है यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड नंबर के थ्रू मैं जा रहा हूँ, आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। सो चलिए मैं इसमें नंबर डाल देता हूँ। सो आप अपने आधार कार्ड नंबर प्रॉपरली डालिएगा, नहीं तो आपका ये जो एरर आएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पे कैप्चा लेटर जो में है नंबर्स वो डालना है, जैसे कि 2344। नीचे आपका नॉन ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल, आप कोई भी नंबर रजिस्टर जो नहीं है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो उस नंबर पे जाएगा एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपका ओटीपी जैसे ही डालेंगे यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। सो ओटीपी में आ गया है। सो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ ओटीपी। आप जो नंबर रजिस्टर नहीं आधार कार्ड में उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं ये, और आपके एड्रेस पर वो आपका आ जाएगा। सो देखिए ये वेरीफाई हो गया, आप ये पेमेंट मोड पे लेके जा रहा है। 50 रुपीज़ इसके चार्जेस कटेंगे दोस्तों। सो यहाँ पे टिक कर देना है जो आपका बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आपको पेमेंट मोड पे क्लिक करना है। सो पेमेंट मोड में बहुत सारे ऑप्शन हैं, गूगल पे है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, जीपे है। सो आप जिससे चाहें उसे कर सकते हैं। तो मैं UPI के थ्रू करूँगा। यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग भी ऐड किया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सभी ऑप्शन है, वॉलेट भी है। सो मैं UPI कर देता हूँ। UPI मैं इसमें डाल देता हूँ। UPI में आप गूगल पे में जाएंगे, आपका जो प्रोफाइल होता है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे गूगल पे की आईडी होती है, आप उस आईडी को यहाँ पे यूज करिए। और उसके बाद यहाँ से जैसे सेंड बटन दबाएंगे, आप ज़रूरी नहीं कि आपके मोबाइल पे ही रिक्वेस्ट आएगा, आप किसी के मोबाइल पे भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सामने वाला अगर पेमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो मेरे दूसरे डिवाइस में है जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी ये रिक्वेस्ट उस पर जा रहा है, तो मैं आपको वो पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं दिखा पाऊँगा। देखिए मेरे ऑप्शन मेरे मोबाइल पर रिकॉर्डिंग जिससे मैं कर रहा हूँ उस पर आ गया रिक्वेस्ट, तो मैं इसे पेमेंट कर देता हूँ। उसके बाद बाकी की प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। सो चलिए मैं उसको पेमेंट कर देता हूँ। तब तक के लिए देखिए ये पेमेंट मैंने कर दिया है। अब देखिए नीचे यहाँ पे स्लिप भी दिया गया है पेमेंट का, अगर आप पेमेंट की स्लिप डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपके रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। सो ये आपका विद इन आई थिंक 15 to 20 days में आ जाता है, बाई कुरियर पोस्ट से आता है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, से छोटा सा वीडियो था। आई होप आप समझ गए रहेंगे आप कैसे अपना आधार कार्ड का पीवीसी कार्ड जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप लोकल स्टोर में जाके अगर आप पीवीसी कार्ड का आप आधार कार्ड बनाते हैं, वो डुप्लीकेट होता है कॉपी, वो सब जगह उसकी मान्यता नहीं है। आप ये गवर्नमेंट की आईडी से मंगाइए, आपको पोस्ट द्वारा आपके पास आपके जो आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस है उस पर आपको डिलीवर हो जाता है। सो चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। सो एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।